छोरा शहर की गोरी, she's so hot, she's fun in a million, महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, जो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली, ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, ना जाने कहां से ये आई रे भगवान, hey, cut it out, गवार हाय रब हुआ ओ कागज जब हुआ ओ हाय रब हुआ कागज जब हुआ जब 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 हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब लव हुआ ए बछुआ। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? बछुआ को बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? छुरी के गुण तो जान लिए हैं, अब क्या करेंगे यहाँ बैठकर? बछुआ जल्दी आ। अरे देखिए आप तो बुरा मान गई, हम तो आपको सब कुछ सच सच बताना चाह रहे थे। अब आन्या ने एक बार शादी तोड़ दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फिर से दूसरी ना तोड़ेगी, का आश्वासन दिला रही है का? जब परिवार वालों को अपनी छोरी पर भरोसा ना है तो हमको शक का है ना होगा। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं ऑलराइट? और मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, आन्या रघु से कभी नहीं भागेगी। जीरी ने जो सच आन्या के ससुराल वालों को बताया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सच तो वो भूल ही गई है कि आन्या रघु से प्यार करती है और इस बात पे तो किसी को शक नहीं हो सकता, राइट जानकी? आप सही कह रही हैं। आन्या के प्यार पर हमें पूरा भरोसा है, वो रघु से कभी ना भागेगी। क्या हुआ? What's wrong, mom? अब कुछ नहीं, हम कुछ बातें कर रहे थे, सोचा तुम दोनों से भी पूछ ले, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट जानकी? जी बिल्कुल, अब कोनो जरूरत ना है। जाओ बच्चों, गो गो गो। दादी कोनो बात है का? कोनो बात ना है बेटा। ये बड़ों को काम है, उनको बतियाने दो, तुम दोनों बाहर जाके बैठो। अम्मा जी जल्दबाजी ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी बात तो सुन ले, ये आपके बचवे की जिंदगी का सवाल है। वो लोग कुछ भी कहें। अरे हमें मानना जरूरी थोड़ा ना, हमारी शादी का सवाल है, नहीं हमारी जिंदगी का सवाल है, तो फिर हमें सुनना तो पड़ेगा ना मिमनी। हाँ, चलो, चलो, चलो।
अच्छा हुआ आप लोग रुक गए। अब सच से घबराने की क्या बात है और झूठ बोल के क्या फायदा। मैं अगर आपको कहूं कि आन्या खाना पकाना जानती है, घर का सारा काम जानती है, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। और वैसे भी एक दिन में आप समझ जाएंगे कि आन्या तो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं संभाल पाती। उका छोरी घर का कोनो काम ना जानती है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, 25 नौकर थे हमारे घर में। हे, जब से हम देवरी नदी के तीर आए हैं, तब से यहाँ कोई नहीं है। आन्या अपना सारा काम खुद कर लेती है। हाँ, आन्या काम सीख गई है, जैसे नहाना, अपने बाल सवारना, आजकल तो वो अपना कमरा भी साफ रखती है। यही काम करवाएंगे ना आप आन्या से अपने घर में? आप उससे पूरा घर संभालने के लिए तो नहीं कहेंगे ना? नहीं तो का अपने घर के काम के लिए पड़ोसियों की बहू को बुलाएंगे का? ना अम्मा जी, उसकी कोनो जरूरत ना है। हमारे रहते हुए आन्या बिटिया को काम करने की क्या जरूरत है? हे राम, बहू के रहते साथ काम करेगी? घोर कलजुग बाबा, घोर कलजुग। प्लीज, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आन्या थोड़े ही दिनों में सब काम करना सीख जाएगी। अब आखिर इस गांव में रहना भी तो सीख रही है वो। हाँ, उसने खाना बनाने की कोशिश भी की थी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। डेबी, तुम्हें याद है एक बार जब आन्या खाना बना रही थी ना, उसने पूरे घर को जला डाला था। घर जला दिया था? ओह प्लीज, अब गलतियां तो हम सब से होती है। क्यों, कोई सारे गांव से झूठ बोल देता है, कोई अपना पूरा बिजनेस डुबा देता है, क्यों? दादी, गलतियां तो हम सब से होती हैं, हाँ? इन्हीं गलतियों की वजह से तो हम सीखते हैं, ना? ठीक है, फिर हम यही उम्मीद करते हैं कि आन्या सीख जाएगी। You're right, उम्मीदें तो कर सकते हैं हम। जैसे मुझे उम्मीद है कि भगु ने आगे के बारे में कुछ तो सोचा होगा। वैसे शहर में क्या करेगा रघु? शहर में रघु कहाँ जाएगा? उस शहर में क्यों नहीं, जब हम सब शहर चले जाएंगे तो आन्या भी शहर जाना चाहेगी और रघु को तो आना ही पड़ेगा फिर। ना, कभी ना, हमारा बच्चुआ किसान है और किसान ही रहेगा। अरे शहर में क्या करेगा, किसान का काम हो? मेरी बेटी जिंदगी भर यहाँ रघु के साथ गांव में रहेगी? तो क्या तुम शहरियों की तरह अलग अलग रहेंगे? हमारे गांव में ना है ये रिवाज। तो ठीक है, लेकिन डेबी, मुझे नहीं लगता कि आन्या को ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, डीवीडीज, गाड़ियाँ, ये सब छोड़ के बहुत दिन तक ये चूल्हा, गोबर, भैंसे, खेती बाड़ी, इन सब में मन लगेगा, नहीं? लो, तो हम कौनो जबरदस्ती किए हैं? इतनी महारानी बनकर रहने की आदत है तो हमरे रघु से शादी करने की जरूरत ही का है? जबरदस्ती कोनो ना है माजी, आन्या और रघु की मर्जी है ये, वो दोनों एक दूसरे से ब्याह करना चाहे हैं। एग्जैक्टली, और अगर आन्या मिसेस गांव वाली बन रही है तो ऑब्वियसली उसे इस गांव में ही रहना पड़ेगा, ये पता है उसे, और उसे देवरी नदी के तीर बहुत अच्छा लगता है, वो यही रहना चाहती है। रियली? अच्छा? हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
Come on, Debbie. कुछ दिनों की बात थोड़ी ना है, यहाँ आन्या को अपने इटालियन शूज, ब्रिटिश हेयर क्लिप्स, ये सब कहाँ मिलेगा? और फिर आन्या के एक जीन्स की कीमत में तो सारा गांव खाना खा सकता है। Well, अभी तो हम DNKT की वजह से ही सब खा रहे हैं ना, और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। तो अब ये सब सोचने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि आन्या को यही चाहिए तो ठीक है, बस कहीं तंग आकर उसे गुस्से के दौरे ना पड़े। का? गुस्से के दौरे? अब ये कौन सी नई बीमारी आ गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आन्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे जब गुस्सा आ जाता है ना, डेबी तुम्हें याद है एक बार कैसे पूरी पंचायत के साथ लड़ने लगी थी वो? और जब मुंबई में गुस्सा आने पर उसने नौकर के सर पे पूरा जग तोड़ दिया था कांच का। हे, एक मिनट, हाँ उस सब के पीछे कोई वजह थी? हाँ वजह तो थी ना, वही आन्या का गुस्सा। हे प्रभु, घर से भागने की बीमारी, घर के काम में गोल, और अब गुस्से के दौरे। अरे और काका खामियां हैं, जरा जल्दी बता दीजिए, हमसे बर्दाश्त ना हो रहे हैं झटके। देखिए आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कभी कभी आन्या को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब हम में से गुस्सा किसको नहीं आता दादी? थोड़ा ना बहुत ज्यादा है, लिखा एक भी गुण ना छोरी में, और ये भी पता नहीं कि कब मंडप छोड़ के भाग जाएगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, हम तो आपको सब कुछ सच सच बताना चाह रहे हैं। अरे हम सब समझ रहे हैं, अपनी पगली छोरी को हमरे मत्थे मारना चाहते हो। सारी कुंडे चुप रहिए, हमारी बेटियों के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है आपको। अरे हक तो हम तुम्हें दिखाएंगे, अब किसको है इस गांव में बोलने का, किसको ना। तुम सबको निकाल के गांव से बाहर ना खड़ा किया तो हमरा नाम भी दादी नहीं। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? अरे धमकी ना दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं। Just stop it! ये क्या कर रहे हैं आप लोग, और अब क्या चाहते हैं कि मेरी शादी होने से पहले ही टूट जाए? दादी जीडी और डैड ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है, मैं ऐसी ही थी, पर जब से मैं DNKT में आई हूँ मैं बदल गई हूँ, है ना जानकी अम्मा? ठीक है, मुझे खाना बनाना नहीं आता और बहुत सारी कमियां हैं मुझमें, लेकिन रघु से प्यार उसमें कोई कमी नहीं है। मैं उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दादी, रघु और DNKT की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना जानकी अम्मा? हाँ बेटा, ये सब हम जाने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ आपने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन जिस आन्या को हम जानते हैं वो इन सब कमियों से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो हमारे बेटे की खुशी है, उसका प्रेम है। हमारी खुशी तो यही है कि आन्या हमारे घर में बहू बनकर आए। बहू? क्या कह रही है तू? अम्मा एकदम ठीक कह रही है दादी, दादी हम आन्या से प्रेम करते हैं। और अगर तेरी ये जिद है कि हम इससे शादी ना करें तो ना सही, लेकिन इसके बाद हम शादी करेंगे ही नहीं। क्योंकि हम हमेशा आन्या से ही प्रेम करेंगे,
दादी ये हमारा वचन। इसके बाद बस तेरी मर्जी है। आप सबसे हमारी विनती है कि इन दोनों को आशीर्वाद दें। ऑफ कोर्स आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू, अब खुश रहो। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? तुम इस गांव में आके बिल्कुल पागल हो। अब आखिरी बार सोच लो, हमारी दुल्हन बनोगे? हाँ अम्मा, पूरी कोशिश करके देख ली, फिर भी हम शादी नहीं रोक पाए। पूरी कोशिश ना हुई है अभी, वरना जरूर रुक जाता। अब जो भी हो, रिश्ता तो पक्का हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना भी पक्का ना हुआ है जीडी जी कि तोड़ा ना जा सकता। लेकिन हम कर क्या सकते? वो सब आप हम पे छोड़ दे जीडी जी। शादी के राज में ना आजादी, वो जो ऊपर वाला है ना, उस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है हमें। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाले। ईश्वर हमें आशीर्वाद दो कि हम देवरी नदी के तीर जाकर अपना कर्तव्य निभाने में सफल हों। हमारी रक्षा करना प्रभु। माफ कर दो बीमा भैया, माफ कर दो हमको। पहले बोल, हमारी बहन की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। हम नहीं देखे भाई, हम कभी नहीं देखे उनकी ओर। कब है? हमारी बहन क्या इतनी भद्दी है? तो गांव की सुंदरी है भैया। क्या बोला, उसको कभी देखा नहीं? देखा ना, हम ना देखे भैया। भैया माफ कर दो, नहीं देखे भैया, हम तो खाली सुने थे बस। आप सुन, अगर आगे से उसके बारे में सुना तो परले गांव की पगडंडी पकड़ के निकल भागेगा। भाग लगे, भाग लगे, भाग। और अगर उसके बारे में, ओ भीमा भैया, अरे बहना यहाँ का कर रही है? हमरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि आप यहाँ का कर रहे थे? हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, रस्सी से तो नहीं खेल रहे थे? हमरी सुनो तो, जरूर किसी ना किसी की कुटाई कर रहे थे। क्या बात कर रही हो बहन, हम और कुटाई? हम कभी मच्छर भी मारे हैं क्या? हमरी सुनो तो, हमार साथ मंदिर चलो और लगे हाथ अपने पाप का प्रायश्चित कर लो। मंदिर? अरे वहाँ तो तुम अकेले ही चली जाओ, काहे कि हमारी भगवान से ज्यादा पटती नहीं। भैया आज कुल देवी की पूजा है, कहते हैं कि आज के दिन पूजा करने से अच्छा वर मिले हैं। अब हमार भाई हमार खुशी के वास्ते इतना नहीं कर सके हैं? कर सकते हैं। लड्डू पेड़े डोल मंजीर हमार घर जहनाई बजेगी, मेहंदी सेरा व्हाटएवर व्हाटएवर, जब प्रभु और मेरी शादी होगी।
बजाई हमार डोली पर बैठी चोरी छुपके घर आएगी। ए, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब हम क्या करें? तुम्हें तो चोरी छुपके दादी से लड़ने चल पड़ी। और नहीं तो क्या, दादी तो सब तोड़ने के मूड में थी। और शादी तो करनी है ना। आन्या जी, हमारे रघु भैया भी कम नहीं है। देखिए कैसे छाती ठोक कर बोले कि अगर ब्याह करेंगे तो आन्या जी के संग करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। वाह, क्या बोले, क्या बोले हैं? यूं समझी जैसे वो क्या कहते हैं, हाँ, दादी को साफ सूंघ है भाई। अरे अब जब तक शादी ना हो जाए चौकन्ना रहना पड़े, कौन जाने कि दादी से बड़ी मुसीबत आ टपके। ये तो सत्य है भाई। प्लीज, दादी से बड़ी मुसीबत हो ही नहीं सकती। चला, चला। बाबूजी आ गया तो हार गया। जब लव हुआ, जब लव हुआ।